हेलो मनबीर जी, रमनदीप कौर राणा जी, हेलो। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हेलो अंकुश, और मैं आपको ये बता दूँ, हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम, कि क्या डिस्कस करना था हमें, लेह हंट, है ना। हेलो मीनू जी, अमनदीप, वेलकम है सभी का। हेलो रिचू जी, लेह हंट को डिस्कस करना है, और जितना हमने सोचा था कि शायद स्मॉल टॉपिक होगा, दरअसल उतना ही ये मुझे कंपैरेटिवली बड़ा टॉपिक लगा। तो देखते हैं इसको कितना कवर कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने कहा कि मॉडर्न, कंटेम्प्ररी और अगस्टन एज के जितने भी हमारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, हमने उनको कवर नहीं किया। कवर इसलिए नहीं किया, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं वहाँ पर काम कर रही थी तो वहाँ पर तो दो बैच का हिसाब चलता था, तो एक कॉमन टॉपिक किया था। बाय द टाइम चीज़ें सही नहीं रहीं तो मैं यहाँ पर स्विच कर गई थी, तो वो थोड़ा सा देखना था। हेलो सुखवीर जी, गुरप्रीत जी वेलकम है, खुशी और शिल्पा जी का भी वेलकम है। कल ये लोग दिखे नहीं थे, कल कंपैरेटिवली कम लोग थे। हेलो हरप्रीत ढंडसा जी, तो आज लेह को करेंगे और कल हम दो बार मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये भी है, एक अच्छी बात ये है कि कल से हम दो बार मिलेंगे, ठीक है, वही वाला स्लॉट वापस आ जाएगा। एक बुरी बात ये है कि एग्ज़ाम आ रहा है ना, ये वाला मैंने आपको किसी क्लास में पहले भी बोला था, शायद ग्रुप पे बोला था कि 4 अक्टूबर है डेट, और सिस्टर का एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा शेड्यूल। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में दो बार मिलूं 4 अक्टूबर तक। हेलो प्रीत धलीवाल जी, हेलो रेनू जी, दो बार तो मिलूँगी, तो फिर यही हो सकता है कि जो लोग, जैसे अंकुश ऑफिस में है, जगदीप जी ने भी अपनी ट्यूशन शायद 3 बजे वाले स्लॉट के हिसाब से ही चेंज की थी, बाकी सबकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, बच्चों की भी क्लासेस चल रही होती हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि शायद जो मॉर्निंग का स्लॉट जो होगा ना, हर किसी के अकॉर्डिंग शायद ना फिट बैठे, तो 10-20 दिन की बात है, बाद में वीडियोज़ देख लेना, यही हो सकता है, ठीक है। वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर ग्रुप पे कर देना, व्हाट्सएप मैसेज मत करना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 500-600 मैसेजेस आज भी मैंने देखे तो हो गए थे, तो नो डाउट, लेकिन टेलीग्राम पे कर देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हाँ जी मनबीर जी, प्रॉब्लम यही है ना कि उसका एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, ठीक है, तो उसका स्कूल तो पास है, तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है, वो जाती है, देन 2 बजे तक आएगी। अब उसके बाद से, मतलब अभी उसका क्या स्लॉट रहता है, ये दो घंटे वो मुश्किल से ब्रेक लेती है, मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट करती है, तो अगर वो वहाँ अपनी ड्यूटी करके आएगी, मैं तो अभी स्टडी ब्रेक पे हूँ, ठीक है, मैंने तो यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला हुआ था, तो मे बी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैं इस साल तो स्टडी ब्रेक पे हूँ, तो मेरा तो यही है कि मेरी चीज़ें तो घर से मैनेज हो रही हैं, मुझे पता है कि आई विल मैनेज, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि शी हैज़ टू गो, तो कुछ भी करके उसको जाना ही पड़ेगा। 2 बजे अगर वापस आएगी तो 4 बजे भी बैठेगी, तो एटलीस्ट 6 घंटे तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना। हेलो मधु जी, तो इसलिए 10-20 दिन देखना पड़ेगा, दो बार मैं मिलूँगी, नो डाउट, देख लेते हैं। ले है हंट का 1784 से लेके 1859 इनकी टाइमलाइन है, बहुत सारे जगह बहुत सारा इन्होंने काम किया है, लेकिन काम करने के बाद भी पॉपुलैरिटी जिसको कहते हैं ना, किसी रीज़न से इन्हें सेकंड ग्रेड राइटर कहा जाता था। अब सेकंड ग्रेड राइटर का जैसे आज हम मतलब समझे ना, तो ये है कि जो पॉपुलर थे उनसे थोड़े से पीछे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड ग्रेड कहा जाता था। क्या क्या थे ये? ये थे क्रिटिक, एसेइस्ट, पोएट, नॉवलिस्ट, और क्या थे ये, एक चीज और थी इनकी, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट ये होल लाइफ रहे, स्टार्टिंग ही इन्होंने अपनी लाइफ की एज अ जर्नलिस्ट की थी। हाँ, 12 to 16 जब ये एज के थे, मतलब 12 साल से लेकर जब ये 16 साल तक थे, तो जुवेनाइल पोम्स इनकी आई थी, यानी कि जुवेनेलिया उसको बोलते हैं। हाँ जी खुशी जी, जर्नलिस्ट कर दिया मेंशन। अच्छा रमनदीप कौर जी, मैंने कहा, अच्छा देखा नहीं होगा, गुड मॉर्निंग, नहीं सॉरी गुड मॉर्निंग कह रही, देखो गुड इवनिंग, अरे कुछ भी मना लो, ठीक है, वो आजकल इतना ज़्यादा शेड्यूल है ना, मुझे नहीं पता मेरी गुड मॉर्निंग कब होती है और गुड आफ्टरनून कब होती है, सीरियसली बोल रही हूँ, तो प्लीज़ गुड इवनिंग का अगर रिप्लाई चाहते हो ना, तो प्लीज़ ध्यान ना दूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि नहीं ध्यान रहता मुझे, सच में ध्यान नहीं रहता।
ठीक है, वेलकम तो मैंने कर ही दिया था। जब हम बायरन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि बायरन के साथ भी इन्होंने एक वर्क किया था। हाँ जी रेनू जी, उस पर भी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जब उसका वर्क डिस्कस करेंगे ना, जुवेनिलिया, तब इसकी इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। दरअसल ये था कि एक लिबरल करके इन्होंने ये बताया था ना, द लिबरल करके हमने एक पॉलिटिकल जो था वर्क, पॉलिटिकल जर्नल, इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ईयर मुझे बता दो क्या था इसका। इसमें तीन लोग थे, बायरन, लेह यानी कि लेह हंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जो थर्ड पर्सन थे वो थे शैली। ये तीन लोगों का ये जो था ये पॉलिटिकल जर्नल था, कि इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में लिखा करते थे एक तरीके से, ठीक है। तब भी मैंने ये डिस्कस किया था, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने उस क्लास में भी बताया था कि ये 1822 में आया था। अब मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि जितने भी इनके वर्क हैं ना, चाहे रेडिकल जर्नल है, पॉलिटिकल है, या फिर कुछ ऐसे भी पीरियोडिकल, इन्होंने मैगजीन्स भी लिखी थी, क्वार्टरली मैगजीन भी लिखी थी, इन्होंने कंपैरेटिवली जर्नल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है मनवीर जी, फर्स्ट द लिबरल पॉलिटिकल जर्नल था, कब आया था, 1822 में। इन जर्नल को जब आप नाम याद रखोगे तो दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन इसमें था। रेड पेन ले लेती हूँ एक बार ना, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसमें तीन लोग थे, बायरन, लेह और शैली, इनको लिख लेना। बहुत बार ये पूछ लेता है कि द लिबरल क्या था, पॉलिटिकल जर्नल था या फिर रेडिकल जर्नल था, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, नाम रटना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब मैं दूसरा इनका जर्नल बता देती हूँ। दूसरा जो इनका जर्नल था उसका नाम था द एग्जामिनर। बहुत जगह आप ये पढ़ लोगे, द एग्जामिनर नाम ना आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। ये 1808 में आया था। अब ये क्या चीज़ थी, जैसे वो द पॉलिटिकल था, ये रेडिकल था। जब हम बायरन को भी डिस्कस कर रहे थे तब कहा था कि रेडिकल वो लोग होते हैं जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज को सपोर्ट करते हैं, कुछ हद तक रिलीजियस को भी करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ये इन दो चीज़ों में, इन्हीं के साथ ये रिलीजन को भी चेंज करना चाहते हैं। हाँ जी खुशी जी, ठीक है। तो 1808 की हम बात करेंगे कि इनका जो रेडिकल जर्नल था, बेसिकली इन्होंने इस ईयर में क्या किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को। कोई गवर्नमेंट के हेड थे, नाम तो नहीं पूछता, लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, और उसके चक्कर में क्या हुआ था, इनको 2 साल के लिए, ठीक है, कहाँ भेज दिया गया था, बिहाइंड द बार्स, यानी कि 2 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। रेडिकलिस्ट होने की वजह से इन्होंने गवर्नमेंट के जो डूज, मतलब डू और डोंट्स होते हैं ना, उनके बारे में कहा था। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि क्रिटिसाइज किए करने की वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, ठीक है। तो ये दूसरा इनका वर्क हो गया एक तरीके से। पहला क्या था, द लिबरल, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग तीन, मतलब बायरन के साथ और शैली के साथ काम किया, तीन लोगों का कलेक्शन था बेसिकली, वो वर्क कोलैबोरेटिव वर्क आप कह सकते हो। एग्जामिनर क्या था, इनका था, किसी और की इसमें प्रेजेंस नहीं थी, थी तो बाद वाले राइटर्स की अलग से होगी, लेह के साथ कोई नहीं था। थर्ड जो चीज है, सेम यही प्रोसीजर इनका था, द इंडिकेटर। अभी जो हम कर रहे हैं ना, सिर्फ इनके वर्क से पहले। हाँ जी खुशी जी, उसके बाद भी बताऊंगी। ब्लैकवुड मैगजीन ने इनको कहा था कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, अभी आ रही हूँ उस पर, बताऊंगी उसको। हाँ जी हरप्रीत जी, अगेंस्ट प्रिंस, हाँ प्रिंस के बारे में कह दिया था जो उस टाइम होते थे। द इंडिकेटर जो है, इसको ये क्या करते थे, लिखते नहीं थे बेसिकली, इसको एडिट करते थे। तो ये क्या था, ये पीरियोडिकल जर्नल था। पीरियोडिकल का मतलब हो गया कि एक तरीके से सर्टेन पीरियड में आता था। अब वो 10 दिन भी हो सकते हैं, मतलब 2 वीक भी हो सकते हैं, 3 वीक भी हो सकते हैं। तो पीरियोडिकल का मतलब होता है कि एक रेंज के बाद ही आएगा ऐसा डिवाइड।
लेकिन बहुत जगह ये पढ़ने को मिलता है कि ये क्या था, ये वीकली था, यानी कि ये वीकली पीरियोडिकल था। तो अगर आ जाए ऑप्शन में तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि द इंडिकेटर क्या था, द इंडिकेटर को ले क्या करते थे, एडिट किया करते थे। तो ये जो जर्नल था ये एडिटेड बाय लेह था। पब्लिश कौन करता था, इसका जो पब्लिशर था ना वो दूसरा था, उसका नाम था जोसेफ एप्पल यार्ड। तो एप्पल यार्ड यानी कि यार्ड में एप्पल लगे हुए, ऐसे नाम याद करना पड़ेगा। हाँ जी रेनू जी, हाँ जी मनबीर जी, क्रिटिकल वर्क का मतलब ये हो गया कि जैसे हम मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, आज अलग अलग फील्ड में मैगजीन आती है, वैसे ही ये कुछ उस टाइम पीरियोडिकल आते थे, क्योंकि हर कोई नॉवल नहीं पढ़ता था। नॉवल तो क्या है, लेटर हाफ में आई है, और हर कोई पोइट्री भी नहीं पढ़ता था। तो लोग क्या करते थे कि जब वो आया था ना, इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक स्फेयर में अब चीज़ें आने लगी थी, कॉफ़ी हाउसेज का जब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि रेस्टोरेशन टाइम के बाद क्या चीज़ें आईं, तो उस टाइम क्या था, मैगजीन कल्चर भी आया था, वहाँ से न्यूज़पेपर आने लगे थे, ठीक है, पैम्फलेट्स के जो स्टार्टिंग थी वो हो गई थी। तो उस टाइम हमने ये भी देखा था ना कि बहुत सारे पीरियोडिकल्स भी आ रहे थे, तो वहाँ से ये चीज़ें बढ़ी थी। तो कुछ राइटर्स का ग्रुप जो है पीरियोडिकल लिखता था, कुछ क्वार्टरली लिखे जाते थे, ठीक है, कुछ वीकली लिखे जाते थे, कुछ मंथ के हिसाब से लिखे जाते थे। हाँ जी खुशी जी, एडिसन और स्टील, ठीक है, जॉनसन का भी था, है ना। तो बहुत सारे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिकेटर टाइमलाइन जो अगर मैं इसकी आपको बताऊं कि किस से किस टाइम में किया था, इसने किया था 1819 से 1821, तो लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 साल ही इसने काम किया, इसको एडिट करने का काम किया। पब्लिशर तो जो था वो था जोसेफ एप्पल यार्ड, और किसी की प्रेजेंस इसमें नहीं है। इसमें क्या चीज़ हमें पता चलती है देखने को, जो मुझे पता चली है, कोई नहीं प्रीत जी वेलकम है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि इसमें ना रिव्यूज़, एसेज, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, स्टोरीज एंड पोएम्स, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो है ना, इन चार चीज़ों के रिगार्डिंग लिखा जाता था। किसी ने कोई चीज़ पढ़ी, मैंने कोई पोम पढ़ी और मैंने उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, तो मैंने इंडिकेटर में वो चीज़ एडिट करी। मतलब किसी ने मुझे दी और ले ने क्या किया कि एडिट करी, ठीक है, और उसको जो छापते थे वो थे जोसेफ एप्पल यार्ड। तो चार चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, जहाँ से भी आप पढ़ोगे, चाहे विकिपीडिया से पढ़ोगे या ऑफिशियल ब्रिटानिका या अदर वेबसाइट से पढ़ोगे, तो इंडिकेटर के बारे में यही है, रिव्यूज़, एसेज, स्टोरीज एंड पोम्स। हेलो ममन सिंधु जी, तो द लिबरल, द इंडिकेटर, द एग्जामिनर, ठीक है। अभी एक और है इनका, द कंपेनियन करके भी था, तो वर्क इनके कुछ इसी तरीके से रहे हैं। पहले मैं रिफ्लेक्टर बता देती हूँ, एक और मतलब मैगजीन सॉर्ट ऑफ कह लो, जर्नल ही था। अभी तक जितने हमने किए हैं वो सारे जर्नल थे, मैं पहले ही आपको बता दूँ, ठीक है, वर्क नहीं थे ये वो थे जहाँ पे इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। वर्क तो ये अपना अलग लिखेंगे, उन पे तो अभी हमें आए ही नहीं है। द रिफ्लेक्टर, ठीक है, कब से कब तक काम किया, 1810 से लेकर 1811, वहाँ पे 3 साल काम किया था ना, 1819 से लेकर मतलब 21 ऑलमोस्ट, यहाँ पे दो या एक ही साल काम किया। इसको क्वार्टरली मैगजीन कहा जाता है, यानी कि ये क्या थी, क्वार्टरली मैगजीन का मतलब हो गया कि अगर आप क्वार्टर में डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 महीने या 4 महीने के प्रोसेस में ये चीज़ आती थी। इसमें इनका सबसे ज़्यादा जो रोल रहा ना इम्पोर्टेंट, वो क्या था, इसमें इन्होंने एक पोम लिखी थी, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स। ये वर्क इनका बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ जी मनबीर जी, सेपरेट है इनके वर्क ना, सेपरेट है इनके वर्क। रेनू जी कह रही है विद चार्ल्स लैम्ब, उसमें भी बात करूंगी अभी रेनू जी, अभी तो इनका बहुत सारा मतलब वर्क रह गया, मैं तो देख के हैरान थी कि लिखा कितना ज्यादा है।
ठीक है, अभी चैंपियन करके मतलब कंपेनियन करके इनका एक रह गया। यहां पे जो प्रेजेंस आपको मिलेगी इनमें, ये 1811 में लिखी गई थी। ये क्या थी, ये जो पोम थी ना, ये वाली द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, ये कहा जाता है कि ये एक तरीका का सटायर था जो कि लेह ने, यानी कि लेह हंट ने अपने जो कंटेम्प्ररी राइटर्स थे उनके ऊपर लिखा था। तो बहुत बार ये पूछ लेता है कि किस में ये कहा गया है कि लेह ने क्या करा है अपने कंटेम्प्ररी राइटर्स पर, यानी कि कंटेम्प्ररी राइटर्स एंड पोएट्स पर। हाँ जी रेनू जी बता रही हूँ, लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, 1817 में ब्लैकवुड मैगजीन आई थी, मतलब ब्लैकवुड मैगजीन पहले से थी लेकिन वो लेह को, चार्ल्स लैम्ब को, शैली को और कीट्स को पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ से जो बॉन्डिंग थी ना, मतलब क्रिटिसाइज तो वो पहले से भी कर रही थी। 1817 में उसने एक नाम दे दिया था, अभी मैं डिस्कस करूँगी उसको, कोकनी स्कूल। कोकनी आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके का डिसमिसिव वर्ड होता है, डिग्रेड कर देना किसी की पोजिशन को, कि आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, आप बढ़िया से बढ़िया मैगजीन को कर रहे हो, जर्नल को पब्लिश कर रहे हो या करवा रहे हो, लेकिन इस मैगजीन का ये मानना था कि लेह को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है चीज़ों की। ज़्यादा रेप्यूटेशन तब खराब हुई जब वो 2 साल जेल में रहे थे। तो यहाँ से क्या हुआ, जो इनके ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे राइटर थे, विलियम हैजलेट भी थे, चार्ल्स लैम्ब भी थे, उनका भी अभी डिस्कस करूँगी, पहले ये कर लेती हूँ। ये जो रिफ्लेक्टर था ना, इसमें आपको लेटर हाफ में प्रेजेंस मिलेगी चार्ल्स लैम्ब की। अब मुझे देखना पड़ेगा लाइट में दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है। हाँ जी, ब्रदर का भी मिलता है, ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने ब्रदर के लिए लिखा था, मतलब स्टार्ट उसके लिए किया था। जो रिफ्लेक्टर था ना, बेसिक इसको पर्पस क्या था स्टार्ट करने का, कि इनका जो ब्रदर था उसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए एक ही साल रहा। बहुत सारी जगह लिखा गया है कि बाद में स्टार्ट करने के बाद, अपनी एक पोम जो है वो छापने के बाद, पब्लिश करने के बाद का जितना भी वर्क था ना, वो मैनेज इनके ब्रदर ने किया है। हाँ जी वीरपाल जी, तो आई होप वीरपाल जी जवाब मिल गया होगा कि स्टार्ट इन्होंने किया था। नाम आपको मिलेगा कि ब्रदर के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन एक ही साल काम करने के बाद में ब्रदर ने अलग से संभाला इस चीज को, ठीक है। बहुत सारे जर्नल थे ना इनके जिन पे ये काम कर रहे थे। तो 1811 में ये वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, कि किस तरीके से जो लोग इनको परेशान करते थे, इन्होंने यानी कि ले हंट ने उनको क्रिटिसाइज किया है। एक और इनका जर्नल था द कंपेनियन, 1828 में आया था। बीच बीच में लाइफ में इन्होंने जर्नल लिखे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। अगर एक जर्नल 1810 में लिखा है, देन दूसरा 1821 तक लिखा है, इस हिसाब से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, जब मैं नोट्स बना रही थी हाईलाइटर से सारे ही जर्नल को ना एक ही बार में, मैंने सोचा कि एक ही बार में बता देना सही रहेगा। ये जो था इसमें 2 लोगों ने काम किया था, एक थे हंट खुद, दूसरे थे क्लार्क, ठीक है। क्लार्क बेसिकली क्रिटिक थे, इनका राइटिंग जो सेक्शन है बहुत ही कम था। अब ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ थी, इसमें ये वीकली पीरियोडिकल था पहली बात। इससे पहले वाला जो था द रिफ्लेक्टर, वो क्वार्टरली मैगजीन थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या था, ये वीकली था, ये वीकली पीरियोडिकल था। किसके साथ लिखा था, हंट एंड क्लार्क के साथ। दूसरी बात, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी, इन्होंने इस जर्नल में लिखा बुक्स के बारे में, जो ये बुक्स पढ़ते होंगे, थिएट्रिकल प्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके का मतलब थिएटर इन्होंने उस टाइम देखा, ठीक है। इसमें एसे की बात इन्होंने नहीं की है, नॉवेल्स की बात नहीं की है, पोम्स की बात नहीं की है, स्टोरीज की भी बात नहीं की है, बुक्स के बारे में, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस के बारे में और मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में, यानी कि ये स्पोर्ट्स भी हो सकता है, ये एडुकेशन भी हो सकता है। तो द चैम्पियन में कई बार ये पूछ लेता है कि लेह हंट ने, पहली बात तो द चैम्पियन किसके साथ लिखा है, तो वो तो आ जाएगा क्लार्क के साथ। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में किस जनरल में बात की गई है, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक का मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप सोच लीजिए इट कैन बी एनीथिंग,
कुछ भी हो सकता है। हेलो कुलवीर जी, मुझे किसी और ने भी हेलो भेजा था, कंवर रणबीर सिंह जी ने, जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया था। आज प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि आज फ़ोन में चला रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी ना, तो मेरे को यही था कि सारी चीज़ें एक ही क्लास में बता दूँ। बार बार उन पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंट्रोडक्शन एक ही क्लास में एक ही राइटर का बहुत है, ज़्यादा उसको पार्ट वन पार्ट टू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा ध्यान कि किसने काम किया है, क्या था, वीकली था, मिसलेनियस टॉपिक के बारे में, थिएट्रिकल प्रोडक्शन और बुक्स वगैरह के बारे में, इसमें रिव्यूज़ एक तरीके से अपने ये देते थे। तो ये चीज़ें तो इनकी हो गई हैं। अब बात करते हैं इनकी फ्रेंडशिप की, कि बहुत सारे लोगों के साथ इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। रमनप्रीत कौर जी कंपेनियन है, ठीक है, ये खुद चैंपियन थे ना, तो ये कंपेनियन है। सॉरी अगर मैंने चैंपियन बोल दिया हो, तो मेरे हिसाब से ये चैंपियन थे। मेरे दिमाग में ना वही चल रहा था जब मैं इनके लिए नोट्स बना रही थी, कि मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा लिख कर गए होंगे, दरअसल इन्होंने बहुत सारा काम किया है। बावजूद इसके भी इनको अगर सेकंड कैटेगरी में रखा गया है, मनिंदर जी आ सकते हैं। वर्क का ये है कि पोम के बारे में पूछ सकता है कि ठीक है कि ये पोम किसने लिखी है। द स्टोरी ऑफ रिमिनी करके इनकी एक वर्क है, 1816 में आया था, उसमें दरअसल इन्होंने दांते की इन्फर्नोज से, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, दांते इन्फर्नो दरअसल क्या है, हेल का डिस्क्रिप्शन है जो कि दांते ने लिखा है, और बड़ा ही पॉपुलर वर्क है ये, कि उसमें उसने बताया है कि 9 circles हैं हेल में, ठीक है। और जब आप उसको पढ़ेंगे, वैसे तो वो बुक बड़ी मोटी है, और उसमें ये बताया गया है कैसे कैसे जितने तरीके के क्राइम हैं उसके हिसाब से हेल में पनिशमेंट दी जाती है। तो वहाँ को ये एक स्टोरी है, वहाँ से इन्होंने ये आइडिया लिया था। हाँ जी अमनदीप जी, ट्रैजिक एपिसोड, हाँ जी रेनू जी, बहुत सारी स्टोरी है उसमें, ठीक है, तो ट्रैजिक एपिसोड से उन्होंने लिया है। मनिंदर जी कह रहे हैं वर्क कहाँ से मिल सकते हैं, बहुत सारे वर्क मैंने यहाँ सर्च करे, ऑनलाइन आप टाइप करोगे ना, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। लेह वर्क करोगे या लेकर विकिपीडिया में भी देखोगे तो बहुत सारे वर्क इसके मिल जाएंगे। एक दो इसके सोनेट भी हैं, एक सोनेट है इसका नील रिवर पे, जो इजिप्ट में रिवर है ना, नाइल भी बोलते हैं उसको, तो इसके मिल जाएंगे। वर्क नहीं मिले तो टेलीग्राम पे कर देना मैसेज, मेरे को लिंक मिलेगा तो आई विल सेंड। फ्रेंडशिप की बात करते हैं अब, नंबर तो मैं भूल गई, ठीक है, फ्रेंडशिप किन किन लोगों के साथ थी, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना, ताकि हमें पता चल सके कि किस किस से ये लिटरेरी वर्क जो हैं अपने शायद आइडियाज लिया करते थे, बहुत कुछ सीखते थे ना। पहले हैं वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट हैं कीट्स, फिर हैं शेली, चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, हैजल्ट, और कौन रह गया, ब्राउनिंग के साथ एज सच तो वर्क नहीं है इनका, लेकिन ब्राउनिंग और टेनिसन के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि जब वो अपने आप को सेट कर रहे थे, यानी कि जैसे स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, तब ये किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट में आए थे दोनों से, यानी कि ब्राउनिंग से और टेनिसन से, जिनको कि हम विक्टोरियन एज में पढ़ेंगे। डब्ल्यू कॉलिंस रेफरेंस बहुत कम है उनकी, ठीक है, विलियम कॉलिंस है शायद इनका नाम, थॉमस ग्रे, रेनू जी दरअसल ऐसे तो फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों के साथ थी इनकी, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो जिनका इम्पैक्ट इनकी राइटिंग पे था ना, उनको देखना है हमें। थॉमस ग्रे के साथ इन्होंने काम नहीं किया, हैजल्ड के साथ, चार्ल्स लैम के साथ, शेली के साथ, कीट्स के साथ इन्होंने काम किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एज सच लिटरेरी काम नहीं किया, लेकिन उनकी पोएट्री को ये पढ़ा करते थे, ठीक है, तो हमें वही देखना है। थॉमस ग्रे का क्या है, जो एलेजी है ना, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, थॉमस ग्रे की, तो हमें एज सच रेफरेंस नहीं मिलती, सिर्फ एक फ्रेंड सर्कल आप उसको कह सकते हो कि हाँ जान पहचान थी, बिकॉज हर दूसरा पर्सन जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करता था, और क्या था, इंग्लैंड से या लंदन से वहाँ काम किया करता था। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो हाय हेलो हो जाती है ना, हाय हेलो होना एक अलग चीज़ है, और जिसका वर्क ये देखते हैं, पढ़ते हैं या हेल्प लेते हैं, वो ये वाले राइटर्स थे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा।
इंस्पिरेशन, हाँ इंस्पिरेशन तो बहुत लोगों, वर्ड्सवर्थ भी तो इन्हीं की इंस्पिरेशन था रेनू जी। वर्ड्सवर्थ का नाम इनके फ्रेंड सर्कल में पता है क्यों आता है? सिर्फ इंस्पिरेशन थे। तो जो आप कह रहे हो वो बात ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? एक पर्सन और था, बायरन। बायरन को भी नहीं भूल सकते। तो बायरन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, लैम्ब, हैजल्ट, ब्राउनिंग और टेनिसन। ठीक है, इंस्पिरेशन तो आप ये कह सकते हो, इंस्पिरेशन तो ये राइटर्स पढ़ते ही थे ना, तो ये बहुत लोगों की इंस्पिरेशन हो सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने इनके बारे में एक चीज़ कही थी, दरअसल वो जब ब्लीक हाउस लिख रहे थे, ठीक है, जो कि इनकी नॉवल थी, चार्ल्स डिकेंस की ब्लीक हाउस जब ये लिखी थी इन्होंने, तो इन्होंने एक कैरेक्टर के बारे में बताया था कि हैरल्ड स्किम्पोल करके उसमें एक कैरेक्टर है, कि ये जो कैरेक्टर मैं लिख रहा हूं ना, ये जो है बिल्कुल ही सिमिलर है किससे? लेह हंट से। अब ये पता नहीं कि उन्होंने शायद थिंकिंग के बारे में कहा होगा, कि जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि बेचारा गरीबी के उसमें फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि लेह हंट के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो शैली से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप जब ये डेब्ट में थे, यानी कि इनके पास अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में पैसे नहीं थे, तो ये शैली से मांगे थे इन्होंने, जो लार्ज अमाउंट था वो मांगा था। बाद में ये भी हमें रेफरेंस मिलती है कि थोड़े टाइम ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहे। पहले तो रेप्यूटेशन इसलिए ख़राब थी क्योंकि पीरियोडिकल में लिख दिया था, एग्जामिनर में इनको क्रिटिसाइज़ कर दिया था, जिसकी वजह से ये 2 साल जेल में भी गए, तो लोगों ने इनको काम दिया नहीं। मीनवाइल जो उन्होंने पोएट्री का काम किया, अब ज़रूरी नहीं है ना कि पब्लिश कर रहे हैं तो लोग पढ़ेंगे ही, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब कोई पब्लिश करेगा ही नहीं वर्क, तो फिर क्या होगा? तो इन्होंने एज एन ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल भी काम किया, लेकिन काम करने के बाद भी इनके ऊपर जो डेब्ट थी, यानी कि जो कर्जा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके स्किम्पोल का जो कैरेक्टर है वो इसको देख के बताया है। अब वर्क करते हैं। एक इनका सर्कल हुआ करता था, हैम्पस्टेड सर्कल। दरअसल ये हैम्पस्टेड भी है, हैम्पस्टेड इंग्लैंड में एक जगह है ये। ठीक है, हाँ जी रेनू जी, ठीक है। तो इस वाले जो सर्कल है, जो इनका फ्रेंड सर्कल था, एक बार मैसेज देख लूँ मैं। हाँ जी लैम्ब, हाँ जी खुशी जी, यहाँ पे लैम्ब की प्रेजेंस है। हैम्पस्टेड सर्कल को हंट सर्कल भी कहते हैं, ऐसी रेफरेंस मिलती है। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है कि हंट सर्कल में कौन कौन आता था, तो इसमें आते थे विलियम हैजल्ट, चार्ल्स लैम्ब और ये खुद, यानी कि लेह हंट। तो कितने सारे ग्रुप का ये पार्ट थे। हाँ जी प्रीत गिल जी, हंट सर्कल। तो ये 3 लोगों का ये जो फ्रेंड सर्कल था, इसे हंट सर्कल कहा जाता था। ये थोड़े ही टाइम रहे थे, ठीक है, क्योंकि क्या था कि बहुत सारे काम में सारे ही बेसिकली राइटर थे ना, एसेइस्ट थे, तीनों ही एसेइस्ट थे मेजर काम तो, और हंट तो जर्नलिस्ट भी थे। तो हंट सबसे ज़्यादा जो है स्विच करते थे चीज़ों को। ये हो गया हंट सर्कल में कौन कौन आता है, हैजल्ट, लैम्ब और ये खुद ले हंट। एक चीज़ अब जो याद रखनी पड़ेगी वो है कॉकनी, जो कि अच्छी टर्म नहीं मानी जाती थी। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, बहुत बार ये पूछ लेता है कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री किस से एसोसिएट करता है। तो एक मैगजीन हुआ करती थी, बड़ी फेमस मैगजीन थी उस टाइम इंग्लैंड में, ब्लैकवुड मैगजीन, और ये बात है 1817 की। 1870 में ब्लैकवुड मैगजीन ने ऑफिशियली ये कह दिया था कि जो कॉकनी राइटर्स हैं ना, वो कुछ भी अच्छा नहीं लिखते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज़ किया था। अब किस किस को इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया था? एक थे शैली, पीबी शैली, कीट्स, लेह हंट खुद, ठीक है, और विलियम हैजल्ट।
इन चार लोगों को टारगेट बनाया था, मतलब बेसिकली ये कहा था कि ये क्या है जो ये वर्क लिखते हैं ना, वो बहुत ही डिग्रेड क्वालिटी का है। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि और किसी को तो नहीं कहा था, इनके आसपास के बाकी लोग भी थे, शैली, किड्स, हंट और हैजर्ट को कहा था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में कौन कौन से राइटर आते थे या कौन कौन से नहीं आते थे। थोड़ा सा ये चीज़ इनके में है, ये चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा करी है। ठीक है, पांचवा नाम तो आपको नहीं मिलेगा, यही चार नाम मिलेंगे, पी बी शैली, कीट्स, ले हंट खुद और विलियम हैजर्ट। किसने कहा था? ब्लैकवुड मैगजीन ने 1817 में, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। रमन मप्रीत कौर जी क्रिटिसाइज, जो ब्लैकवुड मैगजीन थी ना, ब्लैकवुड मैगजीन जो इंग्लैंड की मैगजीन थी, ठीक है, उस टाइम क्या था कि उस पर जो होल्ड था वो गवर्नमेंट का होल्ड था, तो एक नामी गिरामी पब्लिशिंग हाउस उसको माना जाता था कि ब्लैकवुड पब्लिकेशन की ही ब्लैकवुड मैगजीन है। उसमें ये ऑफिशियली लिख दिया गया था कि ये जो है ये कोकनी राइटर्स हैं, यानी कि ये ऐसा लिखते हैं कि पब्लिक तो इनको पसंद करती है बट एज एन ऑफिशियल हम पसंद नहीं करते हैं। तो ब्लैकवुड मैगजीन क्या थी, बहुत ही रिच क्लास उसको पढ़ती थी, वहाँ पे ये आर्टिकल छपवा दिया था उन्होंने कि कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में ये राइटर्स आते हैं। फर्स्ट वर्क देखते हैं अब इनका, इतने सारे वर्क तो थे। जुविनेलिया, जुविनाइल बोलते हैं ना, दरअसल ये क्या था, ये इनका कलेक्शन ऑफ वर्क था, मतलब कलेक्शन ऑफ पोम्स था इनका, जो कि कब आया था, जब इनकी एज थी 12 to 16, ये जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, क्रिश्चियन स्कूल था बेसिकली, तो उस स्कूल में किसी ने, ये होता है ना कि जैसे मैगजीन्स होती हैं या मैगजीन से एसोसिएशन है, तो जुविनेलिया करके जब आप देखेंगे तो आपको यही देगा कि कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं जो कि लेह हंट ने लिखी थी। शायद वो स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे, जहाँ भी होंगे, शायद स्कूल टाइम की बात है ये, तब इन्होंने लिखी थी और किसी मैगजीन के थ्रू उसको पब्लिश करवाया गया था। तो जुविनेलिया क्या है, इनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स। डब्ल्यू एच ठाकरे, रेफरेंस तो नहीं पता मुझे खुशी जी, मैंने कहीं रिटर्न में नहीं देखा, और ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज ना उस पर गूगल पे आ जाते हैं, लेकिन मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करती, आपके उसमें आए तो आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट कर सकती क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो जुविनेलिया जो है 12 to 16 करके जो एज थी इनकी, इसमें कलेक्शन ऑफ पोम्स थी, 1801 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वर्क इनका, जुविनेलिया तो फर्स्ट हो गया, वैसे जुविनेलिया, जुविनाइल का मतलब होता है इसी एज का बच्चा, जिसे हम अंडर 18 कहते हैं। सेकंड है द राउंड टेबल, ये सीरीज ऑफ एसे था, सीरीज ऑफ एसेज आप इसके कह सकते हो, ये दो वॉल्यूम में आया था और इसका जो टाइमलाइन था 1817 कुछ था, ये मुझे याद भी दिलाया था किसी ने लास्ट टाइम, शायद रेनू मैम ने, रेनू जी ने याद दिलाया था, 1817 द राउंड टेबल। इसमें और मार्लो में एक सिमिलैरिटी भी है, अगर आपको याद हो तो मार्लो की एक पोम थी ना, हीरो एंड लियंडर, मुझे नहीं पता, भूल गए होंगे शायद ईयर उसका, 1598 में उसने लिखी थी, जो कि अधूरी थी, यानी कि बाय द टाइम मार्लो इस दुनिया से गया तब तक वो अधूरी थी, जिसे कि लास्ट में कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। हाँ जी अमनदीप जी, तो सेम वर्क, सेम ही नाम का ले हंट ने भी लिखा है, लेकिन जब आप उसको सर्च करोगे ना तो आपको डालना पड़ेगा, जैसे हीरो एंड लियंडर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी भी सर्च इंजन पे डालोगे, सबसे पहले वो आपको मार्लो का देगा वर्क निकाल कर, क्योंकि पॉपुलर वही है। जब आप उसके आगे लिखोगे ना हीरो एंड लियंडर पोम, क्योंकि दोनों की ही पोम थी बाय ले हंट, तब वो आपको निकाल के देगा वो वर्क। ठीक है, ये भी अभी मैं 1818 पे आऊँगी। हाँ जी खुशी जी, रमनप्रीत जी बहुत सारा लिख कर गए हैं, ये मुझे तो हैरानी हो रही थी कि पता नहीं क्यों इनको सेकंड ग्रेड राइटर कहा, लिखा तो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट जो इनकी है सबसे लॉन्ग पोएम, लॉन्ग जो है पोम है,
द स्टोरी ऑफ रिमिनी 1816, जिसकी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले रेफरेंस दी थी कि क्या है, दांते की इन्फर्नोज से लिया है इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें एक ट्रेजिक एपिसोड है दो कैरेक्टर का, पोलियो करके और फ्रांसेस्को करके है, तो उसकी स्टोरी जो है यहाँ पे इलैबोरेटिव करके इन्होंने बताई है, दांते के इन्फर्नो से लिया है, पॉपुलर पोम थी इनकी है। ठीक है मनवीर जी, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, जो मैंने बना रखे हैं ना इन्हीं की फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। हाँ जी शिल्पा जी, ऑल्सो बाय डन, हाँ सेम पोएम। हाँ जी शिल्पा जी, ऐसे बहुत सारी हैं, पता मैं इंडियन राइटर्स को भी पढ़ रही थी, कमला दास ने भी ऐसी लिखी है और एजिकल के भी कोई ऐसी थी, मतलब इंडियन राइटर्स में भी ऐसे हैं कि सेम पोएम है, सेम ही नाम है तो आपको पता नहीं चलता, दो दो तीन तीन जो है सेम ही नाम उन्होंने यूज़ किया है। कमला दास का मुझे इसलिए याद है क्योंकि कमला दास का अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, तो सेम नाम बहुत मिल जाएंगे आपको, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये जो है एज इट इज़ मैं ऐसे ही नोट्स बना के आपको वहाँ भेज दूंगी, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना। द स्टोरी ऑफ रिमिनी 1816, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी पड़ेगी, पोम अवेलेबल है ऑनलाइन, पढ़ लेना। नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं इनका। एटीन एटीन में बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोम्स फिर से निकाली थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, पहले तो इसका नाम फोलिएज था, इसका नाम पूछ लेता है कि फोलिएज जो है किसका वर्क है, ठीक है, बेसिकली यही पूछेगा कि किसका वर्क है, वो ये नहीं पूछेगा कलेक्शन ऑफ पोम्स है या कलेक्शन ऑफ एसे है या कलेक्शन ऑफ सीरीज है, नहीं, ये वर्ड पूछेगा, क्योंकि ये मैंने देखा था नेट में पूछा हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे पेपर आजकल क्या होते हैं कि कैंडिडेट को कम करने के लिए ना, कैंडिडेट तो बढ़ते हैं हर साल, बढ़ते हैं, इंक्रीज ही होता है कॉम्पिटिशन, घटता तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं लेवल बढ़ा देते हैं, तो ये भी आजकल ट्रिक है एक, तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1818 में फोलिएज करके एक कलेक्शन ऑफ पोम्स आया था। इसमें तीन पोम्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अ थॉट ऑफ नाइल, जो इजिप्ट में रिवर है नाइल रिवर, उसके बारे में इन्होंने कहा है, 1818 में ही था। एक पोम इनकी जो कि जैसे मार्लो की थी, हीरो एंड लिएंडर, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जब ये फोलिएज आया तो ये 1819 में आई थी, यानी कि इसको बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस फोलिएज में ये जो पोम्स हैं इसकी 1818 टाइमिंग है, इसकी 1819 है, हीरो एंड लिएंडर। और याद दिला दूं मैं स्टोरी आपको, जो मार्लो की स्टोरी थी उसमें हीरो क्या था, हीरो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि नाम से मेल है, दरअसल ये फीमेल है और ये मेल है, उसमें हेल्स पॉइंट करके एक जगह थी, ये जगह, ठीक है, कि रिवर में रिवर को डिवाइड किया था, इस रिवर का नाम था हेल्स पॉट, हीरो इधर रहती है और लिएंडर इधर रहता है, दोनों बिलावर्ड होते हैं, तो इसको क्रॉस करके इसको आना पड़ता है, ये इसका कुछ स्टोरी का कंसेप्ट है, मिलता जुलता ही कंसेप्ट इसने यहाँ पे भी लिया है। नेक्स्ट जो इसका वर्क है इसमें वो है बच्चूज एंड एंड्रेन करके है, एरियडनी 1819, ये तीन पोम्स फोलिएज के अंदर आती हैं। हाँ जी शिल्पा जी, सेम है। हाँ जी, हीरो जो है वो फीमेल थी, मैं ये कह रही हूं रमनप्रीत जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम मार्लो डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर आप ये सोचोगे कि हीरो क्या है, मेल है, तो मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि हीरो मेल नहीं है, पहली बार जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हीरो एंड हीरोइन टाइप, ठीक है, हीरो क्या है मेल मेंबर होगा, नहीं, यहाँ पे हीरो जो है वो फीमेल थी और लिएंडर क्या है वो मेल था, ये बोला था मैंने उस टाइम भी, बोला था प्रीति गिल जी उस वीडियो में भी बोला था, मैंने ये याद कर रखा है कि हीरो क्या है, गलत फहमी नहीं रखनी है, ये फीमेल है, ठीक है, तो उस टाइम मैंने याद कर रखा था और मैंने अभी भी याद कर रखा है।
तो ये तीन वर्क जो हैं इसके इसके कंपैरेटिवली लैंग्वेज वर्ड्सवर्थ के जैसे ही नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्या है कि लिखा बहुत ज़्यादा है। एक थी इनकी पोम जेनी किस्ड मी, मतलब नॉट मी, ले अपने बारे में बोल रहे होंगे, ठीक है। 1838 में इनका वर्क आया था। इसका एक दूसरा नाम भी था, यानी कि ये जिस टाइटल से बाद में पब्लिश हुई थी ना, ठीक है, उसका नाम था रोंडियो। अब साउंड तो बहुत बुरा करता है जब इसको बोलते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये ऐसे लिखी थी। हाँ जी मनवीर जी, पहले भी बताया है ना, तो ये 1838 में आई थी, पोम ही है ये, फॉलीएज में नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, ये फॉलीएज में नहीं है। फॉलीएज में 1818 और 1819 में जो आई ना, हीरो एंड लियंडर और अ थॉट ऑफ नाइल और बच्चूज एंड एड्रियनी, बस यही था। हाँ जी प्रीत गिल जी, नेक्स्ट वर्क, दो वर्क और रह गए, तीन रह गए। अबो बेन अहम, एडम है बेसिकली, ये वर्क इनका इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, 1834 में आया था। ये क्या है, ये भी पोम है, फेबल लाइक पोम है, मतलब आपको इसमें ऐसा मिलेगा कि आइडियाज का सिमिलर है, कि सब गॉड की क्रिएशन है, ठीक है, तो गॉड की जो क्रिएशन है ना उसको लव करना चाहिए, चाहे वो मैनकाइंड हो, एनिमल्स हो या कोई भी हो। तो अबो बेन एडम का मतलब ही यही है कि आप इसको ऐसे याद कर लो, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में एडम था ना, तो यानी कि उस वाले उसकी बात कर रहा है कि मैनकाइंड और गॉड के बीच जो है कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। फेबल लाइक पोम है, इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। हाँ जी, गॉड को डेडिकेट की है खुशी जी, ठीक है, गॉड की क्रिएशन की बात करता है। हाँ जी, गॉड की क्रिएशन की बात करता है कि गॉड ने जितनी सारी चीज़ें बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है, और हर चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली लव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि देखना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लास्ट इसके दो नॉवेल्स हैं, वर्क तो और भी हैं लेकिन हमें वो करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लूँ एक बार। खुशी जी, अच्छा अमनदीप क्या पूछ रहे हो, उसका ईयर पूछ रहे हो, एडम का 1834, अबो बेन एडम 1834 था, ठीक है, उससे पहले वाले का 1838 था। नॉवल इनकी सर राल्फ एशर, और जो दूसरा वर्क था द टाउन, ये जो था ऐसा कहा जाता है कि लंदन में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला लेह का वर्क था, ठीक है, ईयर में आपको बता देती हूँ, फ्रेंच प्लस इटालियन वर्सिफिकेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राल्फ एशर, ये 1834 है, एक सेकंड, नहीं ये 1834 है और ये 1848 है, हाँ एक बार इसका चेक कर लेना ईयर, जहाँ तक मुझे ध्यान है 1848 है, लेकिन इतने सारे वर्क थे ना, इसका मैं श्योर हूँ कि 1834 है, इसका 1848 है, एक बारी मुझे चेक करके बता देना, ठीक है अमनदीप, मेरे को बस वही था, उसका जो एबो बेन एडम है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 1834 है उसका ईयर। तो ले में आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और बहुत सारे जर्नल्स पढ़ लिए, आई गेस पांच थे इनके, और पांचों का ये है कि सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी ये कि कौन सा पीरियोडिकल है, मतलब कौन सा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन सा पॉलिटिकल जर्नल था, कौन सा था जो कि वीकली आता है यानी कि वीकली बेसिस पे आता है, और कौन सा था जो क्वार्टरली मैगजीन है, या ब्लैकवुड मैगजीन ने अगर इनको कहा कि कॉकनी स्कूल है तो कॉकनी स्कूल में कौन लोग आते हैं, हंट सर्कल है तो हंट सर्कल में कौन लोग आते हैं, किससे फ्रेंडशिप थी, मतलब राइटिंग बेसिस पे कह रहे हैं, थॉमस ग्रे वगैरह को मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मेन क्या है, मेन जहाँ जहाँ इसकी स्टैंप थी वहाँ वहाँ आपको शैली, कीट्स, बायरन, इन वाले लोगों का नाम मिलेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप थी
टूर पे भी साथ जाया करते थे, चाहे वो इटली का हो या स्विट्जरलैंड का हो। थैंक यू अमनदीप जी। बहुत सारे मुझे ऐसा लगा कंपैरेटिवली जो लास्ट दो तीन राइटर्स हमने पढ़े ना, सबसे ज़्यादा लेह के जर्नल्स थे, 5 जर्नल्स। इसके बाद भी, इतना लिखने के बाद भी और अभी भी जब आप चेक करोगे ना इंटरनेट पे, तो आपको दो चार राइटर्स के मतलब इनके जो वर्क हैं और मिल जाएंगे। प्लीज़ उनको अभी नहीं पढ़ना, पहले इनको पढ़ना है, क्योंकि लेह ने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब 6 से 7 पोम्स इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, ये वाली इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बताई। इंडिविजुअली आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है मनबीर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिचू जी। इतना पढ़ना है ले में, इतना नहीं है दरअसल, इतना सारा हो गया है ना। कुछ ना मिले तो टेलीग्राम पे मैसेज करना। व्हाट्सएप का क्या होता है, कई बार मैं भी उसका नोटिफिकेशन ऑफ करके रख देती हूँ। ठीक है, टैब तो मैंने खोला ही नहीं, टैब में वो 600 मैसेजेस दिखा रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई खोलने की। हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे इंडिविजुअल मैसेज करोगे तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगी। कल हम दो बार मिलेंगे, एक मिलते हैं 11 बजे, ठीक है, एक मिलते हैं 12 बजे। अब दोनों ही टाइम ऐसे हो गए कि काफ़ी लोगों का ये खाना बनाने का टाइम होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी शायद 11 बजे तक ही निपटूंगी, ठीक है, और यहाँ की क्लास लेने के बाद भागूंगी। दिक्कत इस बात की है कि अगर मैं स्विच कर रही हूँ ना 3 वाले में 7 वाले में, 4 तारीख तक मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अक्टूबर 4 तक प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को पेपर है। ओपी गेमर जी कुछ पूछ रहे हैं, नॉवल की समरी मिल जाएगी, ठीक है, नॉवल की समरी, ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई ऐसा वर्क नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, पहली बात। फिर भी कुछ ऐसा है कि एक दो लोग मुझे अगर इंडिविजुअली मैसेज करते हैं तो मेरी है कि फ़ोन जैसे पड़ा रहता है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अपना काम ना टैब से करती हूँ। मेरा लैपटॉप अगर होता तो मैं उससे कर लेती, हाल फिलहाल वो पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अदरवाइज़ मैं मटेरियल मेरे पास था, मतलब जब से मैं 2009 से ग्रेजुएशन में हूँ ना, तब से मेरे पास एंडलेस पेपर्स थे, क्योंकि मास्टर्स में हमने पेपर प्रेजेंट करे थे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो एमफिल का काम होता है, बट हम एक स्टेप आगे ही थे, क्योंकि वो ख़राब हो गया 2017 में, और अब उस मॉडल का कोई पार्ट मिल नहीं रहा। जो मिलेगा वो दिल्ली से बाहर मिलेगा, तो अभी कोविड की वजह से वो नहीं हो रहा। मैं बहुत सारी जगह पता कर चुकी हूँ, ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें हैं। हाँ जी प्रीति गिल जी, एक तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना, ठीक है। 4 तारीख तक आप देखो, 11 बजे 12 बजे के स्लॉट में मिलते हैं। दो चीज़ें करनी है अब मुझे, पहले ये डिस्कस करना है। पहली चीज़ हम विक्टोरियन करेंगे, क्योंकि हमने जो रोमांटिक एज है हमारी पूरी ख़त्म हो गई। विक्टोरियन में एक करेंगे टेनिसन, तो पहले हम यहाँ वाले स्लॉट में शायद कुछ टेनिसन को रख लेते हैं, ठीक है। मीनवाइल सॉरी उनके लिए जो सुबह का स्लॉट नहीं ले पाएंगे, बट मैं क्या करूँ, मेरी अभी थोड़ी मजबूरी चल रही है, ठीक है। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि आप वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें ईयर के रिगार्डिंग या जो भी है, कोई वर्क नहीं मिल रहा या समरी नहीं मिल रही, जो भी हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, अगर कोई नया जुड़ा हो उसे नहीं पता टेलीग्राम चैनल का, तो चैनल का जब आप जाओगे अबाउट में, यानी कि होता है ना चैनल की प्ले लिस्ट वीडियोज़ अबाउट होता है, अबाउट में लिंक दिया हुआ है। हाँ जी रिचू जी, सिस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं भरा, मेरे को वो फील्ड पसंद नहीं है। 12 बजे के स्लॉट में क्या करना है, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें जो 4 राइटर्स हैं, जैसे जॉन डन ने, अगस्टन एलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, सैम्यूल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। हाँ जी प्रीत गिल जी, प्री आ रहा है ना उसका, 4 तारीख को है, तो अगस्टन एज करनी है। 2 एज स्टार्ट हो जाएंगी, अगर हाँ करो तो ठीक है, बताओ जल्दी। मैं ग्रुप पे इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोग ना फिर ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ विक्टोरियन करते हैं, यहाँ पे अगस्टन कर लो, ठीक है। जैसे ही अगस्टन एज खत्म होगी फिर हम इंडियन स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो आएंगे वो इस वाली एज में आएंगे, ठीक है। इंडियन जो आएगा वो इसके बाद आएगा, क्योंकि इंडियन की मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इंडियन राइटर्स में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हाँ नहीं है,
बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में अगर आप गूगल पे भी पढ़ेंगे तो इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। तो इस वाले स्लॉट में, 11 बजे के स्लॉट में कल एल्फ्रेड, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को डिस्कस करते हैं, 12 बजे एक राइटर को ख़त्म करते हैं, अगस्टन एज। अगस्टन जल्दी इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसके हिसाब से 5 ही है, जैसे ही ये ख़त्म होंगी ना 5 दिन लगेंगे, फिर इंडियन करते हैं। अगस्टन में पोप, ठीक है पोप कर लो, अगस्टन में पोप ही है हमारे पास सबसे पहले, सीक्वेंस में ही चलते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल 11 बजे, मिलती हूँ। और इसके नोट्स अभी सेंड कर रही हूँ ग्रुप पे, थोड़ी सी हैंडराइटिंग ऐसे ही होगी, ज़रा जूम करके पढ़ लेना, कोई बात नहीं। रिचू जी कह रही कंटेम्प्ररी कर लो, रिचू जी देखती हूँ अभी, ठीक है अभी दो को तो करें, अभी दो ये फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं कि इंडियन या कंटेम्प्ररी, ठीक है अंकुश। एंड सॉरी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे 11 से 12 वाला सेशन ना, बट अभी 4 तारीख तक प्रॉब्लम है, ठीक है 4 तारीख तक मैनेज कर लो। मेरी वजह से कईयों ने अपना शेड्यूल, मतलब स्केड्यूल चेंज किया था, मुझे पर्सनल मैसेज करके भी कहा था कि ट्यूशन जो है वो 3 बजे शिफ्ट बेचारे कर रहे थे, तो है एक दो चीज़ें, बट मेरे पास ना अभी अदर स्लॉट में ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझेंगे, वैसे तो आप सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम है ही, ठीक है। चलो जी कल मिलती हूँ 11 बजे।